Hi everyone, welcome to our channel. This is Sheenam Kataria. आज है 14th of December, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। उस आर्टिकल से रिलेटेड आज एडिटोरियल भी आया। ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुकी हूँ 13th of December को, बट मैं दोबारा इसलिए डिस्कशन इसकी कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी है। उस एडिटोरियल में क्या लिखा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट ये सारा है क्या, इसका मैं आपको बेस बता देती हूँ। कल मैंने ऑलरेडी बता दिया बट मैं दोबारा बता देती हूँ। अब देखिए, 9th of December को ना क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया है तवांग सेक्टर, वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में झड़प देखने को मिली। वो एरिया तो भारत का है ना, वो LAC से पार चाइनीज ट्रूप्स के कम 300 बंदों ने LAC के पार उस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की, बट इंडियन ट्रूप्स ने उनका डट कर सामना किया और उसे वहां से भगाने में वो कामयाब रहे। कौन? इंडियन ट्रूप्स चाइनीज ट्रूप्स को। तो उसके बाद क्या हुआ, 11th of December को दोनों तरफ से कमांडर में फ्लैग मीटिंग रखी गई ताकि उस एरिया में शांति बनाई जा सके। और वहां पे क्या कर दिया गया, उस एरिया को डिसएंगेज कर दिया गया दोनों तरफ से, मतलब दोनों पीछे हट गए, लड़ाई वहां पे खत्म हो गई। बट अब देखिए, कल अगर मैं बात करूँ ट्यूसडे की, तो पार्लियामेंट टेरर अटैक ना 2001 में हुआ था, उसमें जितने लोगों की जाने गई थी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई पार्लियामेंट में कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। जब वो कल पार्लियामेंट में मिले तब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो 9th of December को जितना कुछ भी हुआ उसे लेकर बातचीत की गई पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, जितना कुछ भी है मैं आपको ओरल बता देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर आप एडिटोरियल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कल डिस्कशन अच्छे वे से कर चुकी हूँ। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये कहा गया, चाइनीज ट्रूप्स ट्राई टू यूनिलैटरली चेंज तवांग स्टेटस, कि जो चाइनीज ट्रूप्स है ना, जो PLA पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की है, वो क्या करना चाहती है, यूनिलैटरली चेंज करना चाहती है तवांग स्टेटस को। यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है, एक तरफा, जैसे आप बोलते हैं बायलेटरल, दो तरफा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टोल्ड पार्लियामेंट ट्यूसडे द PLA ट्रूप्स ट्राई टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस इन द यांगसी एरिया ऑफ तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो क्लैश हुआ था ना, वो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग सेक्टर, वहां पे भी एक एरिया यांगसी एरिया वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है राजनाथ सिंह जी के द्वारा पार्लियामेंट में कि जो PLA ट्रूप्स है पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी, वो ट्राई कर रही थी कि वो एक तरफा जो स्टेटस है ना इस तवांग सेक्टर का वो बदल दें। और उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि देखिए दोनों साइड से ना इंजरी हुई है, कोई फैटलिटी देखने को नहीं मिली है, मतलब कोई मृत्यु ऐसी कोई डेथ वगैरह कोई चीज़ नहीं हुई है। इंजरीज बट देयर आर नो फैटलिटीज और सीरियस कैजुअलिटी ऑन इंडियन साइड, ही टेल्स पार्लियामेंट। फैटलिटी का मतलब होता है आपत्ति, और यहाँ पे आगे चलते हैं, स्कफल का मतलब ये होता है हाथापाई। अब कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी हिंदी आप हमें ज़रूर बताइए, तो मैंने आपको हिंदी बता दिया, हाथापाई। There were injuries to a few person on both sides in the scuffle. Scuffle का मतलब है हाथापाई, between Indian and Chinese troops. उन्होंने बोला, he said the Indian army bravely prevented the PLA, कि जो इंडियन आर्मी थी वो एक मजबूत तरीके से PLA को रोकने में संभव रही, मतलब कामयाब रही, और उन्होंने कंपेल किया कि वो यहाँ से वापस चले जाएं। यहाँ पे आगे देखे, राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो ओपोजिशन के क्वेश्चन थे उन्हें कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि ओपोजिशन ये कह रही है कि सरकार रोक नहीं पा रही है, चाइना बार बार हमला कर रहा है, पहले उसने गालवान वैली में 2020 में हमला किया, अब उसने तवांग सेक्टर पे कर दिया, तो ये सब कुछ चल रहा है, बट उन्होंने उनका क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं किए। अपना जून 2020 में लद्दाख में जो गालवान वैली है वहाँ पर इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स की बड़ी ज़्यादा एक लड़ाई हुई थी जिसमें 20 के करीब इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद अब ये चीज़ देखने को मिली है, ये जो स्टैंजा इसमें यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे चलते हैं, राजनाथ सिंह जी के द्वारा और क्या क्या कहा गया। उन्होंने बोला कि आई विश टू शेयर विद दिस हाउस दैट देयर आर नो फैटेलिटीज और सीरियस कैजुअलिटी ऑन आवर साइड, कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे किसी भी इंडियन सोल्जर्स की फैटेलिटी या कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, मतलब किसी की कोई डेथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मल इंजरी हुई है। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये बोला गया, एज ए फॉलो अप द इंसिडेंट द लोकल कमांडर इन द एरिया हेल्ड ए फ्लैग मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट ऑन December 11 टू डिस्कस द इशू इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश मैकेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया कि 11th of December को फ्लैग मीटिंग हुई, दोनों तरफ के कमांडर बैठे कि इस सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए, उस एरिया में एक शांति बनाई जाए, और जो चाइनीज साइड है उन्हें रोका गया कि आप ऐसा कुछ भी काम, कुछ भी ऐसे एक्शन ना करें जो कि पीस को भंग करते हैं। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। आगे चलते हैं,
राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बोला गया, आई वुड लाइक टू अश्योर दिस हाउस दैट आवर फोर्सेस आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड विल कंटिन्यू टू थ्वार्ट एनी अटेम्प्ट मेड ऑन इट। थ्वार्ट का मतलब होता है बिगाड़ना। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो कमिटेड हैं, वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट उन्होंने किया है, वो आगे भी ऐसा कोई भी चीज़ होगी जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी वो उस काम को बिगाड़ देगी। जैसे कि अब उन्होंने कोशिश की बट हमारी जो आर्मी थी, मतलब जो हमारे जो लोग थे, इंडियन ट्रूप्स थी, वो इतनी ज़्यादा उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी ना कि वो इनका सामना कर पाए। आप सोचो उस टाइम पे ना, जब ये 9 दिसंबर को 50 थे इंडियन ट्रूप्स हमारी तरफ से, 50 उस समय तैनात थे, वो कम से कम 300, कहीं पे 400 कहा जा रहा है, कहीं पे 600 कहा जा रहा है, सोचो। तो सारी चीज़ें ना पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कभी भी चाइना का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो रिपोर्ट आई है बीजिंग की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जो सिचुएशन है अलोंग द बॉर्डर विद इंडिया अब वो स्टेबल हो चुकी है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रही हैं, दोनों साइडों से जो मेंटेन्ड है स्मूथ कम्युनिकेशन ऑन बॉर्डर रिलेटेड इशू थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल। जब ना ये जो बंदे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, इनसे क्वेश्चन पूछा गया 9 दिसंबर के बारे में बताइए, तो इन्होंने बताने से मना कर दिया। बट जो पीएलए पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी जो चाइना की, उनके जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि दिसंबर 9 को सिर्फ सिंपल सा हुआ था कि देखिए हमारी चाइनीज साइड से ना एलएसी पे पेट्रोलिंग की जा रही थी और इंडियन सोल्जर्स के द्वारा रोका गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे वो अरुणाचल प्रदेश का तेवांग सेक्टर भारत का है, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो इंडियन ट्रूप्स के द्वारा तो रोकना ही था, वो रोका गया था। ओके, आगे आप इससे रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। एडिटोरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता चलेंगे। यहाँ पे देखिए, तेवांग चैलेंज, बॉर्डर स्टैंड ऑफ सीम्स टू हैव बीन मैनेज्ड, कि जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो तो मैनेज हो चुका है, ठीक है, आपस में 9 दिसंबर को क्लैश हुआ, 11 दिसंबर को दोनों के कमांडर बैठे और शांति होगी, वो डिसंगेज कर गए उस एरिया से, मतलब इंडियन ट्रूप्स भी पीछे हट गई और चाइनीज ट्रूप्स भी पीछे हट गई। बट दिल्ली नीड्स ए क्लियर विजन स्ट्रेटजी टू डील विद बीजिंग्स ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब है उल्लंघन। बट यहाँ पे ये कहना है कि दिल्ली चाहता है एक क्लियर विजन हो, एक ऐसी स्ट्रेटजी हो कि जो बार बार बीजिंग के द्वारा ट्रांसग्रेशन किया जाता है ना, उससे डील किया जा सके। क्योंकि देखिए चाइना का कोई भरोसा नहीं है, पहले उसने लद्दाख में गालवान वैली पे अटैक किया जून 2020 में, उसके बाद अब उसने तेवांग पे कर दिया, तो दिल्ली को एक क्लियर विजन चाहिए। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी ना, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अपन नहीं रीड करेंगे। एक्चुअल में ना हुआ क्या था ना, चाइना अचानक चाइनीज ट्रूप्स के 300 बंदों ने यहाँ पे हमला क्यों कर दिया, ये भी मैंने कल बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसके रीज़न बहुत सारे बताए जा रहे हैं, एक रीज़न ये है, अभी रिसेंटली ना युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई थी जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, वो हुई थी एलएसी से 100 किलोमीटर दूर, हुई थी उत्तराखंड की जगह ओली पे। अब यहाँ पे चाइना का ये कहना था कि आप ना जो 1993 और 1996 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इंडिया को कहा जा रहा था चाइना के द्वारा। इंडिया ने इस पे ये स्टेटमेंट दी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कितनी बार इस 1993 और 1996 का उल्लंघन नहीं किया, ये इंडिया ने बोला। और दूसरी बात इंडिया ने ये बोली क्योंकि चाइना के द्वारा ये कहा गया कि आप इंडिया और यूएस में जो युद्ध अभ्यास हो रही है इसमें ना आप जो बॉर्डर इशू है ना इंडिया और चाइना के बीच में, आप यूएस थर्ड कंट्री को लाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई थर्ड कंट्री को इसमें लाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे शायद उसी चीज़ की खुंदक होती है ना, जैसे निकालने के लिए ये सारा काम चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा किया गया। आगे क्या लिखा है, आगे ना यहाँ पे सारा आर्टिकल उसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे और क्या बातें राजनाथ सिंह जी के द्वारा कही गई, उन्होंने बोला कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ना ये एक गुड साइन नहीं है, जो 100 ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, मतलब वो तो एक हमला करने के लिए आए थे ना, सोचो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक्चुअल में। और बात पता क्या हुई थी, वहाँ पे ना जो मतलब कि लोग होते हैं जैसे इंडियन ट्रूप्स है वो बदले गए थे, तो उन्होंने अचानक मतलब अटैक कर दिया, जैसे आपा जो टुकड़ी होती है वो बदलते रहते हैं ना लोग,
तो उनको ये सब चीज़ पता थी, तो उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया। बट उन्हें नहीं पता है गालवान वैली के बाद ना हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा, सिंह के द्वारा ये कहा गया, उनकी इंटेंशन थी कि चेंज किया जाए स्टेटस एट यांगसे, दैट इज रेस्ट द एरिया फ्रॉम इंडिया, कि ये जो एरिया है ये इंडिया से छीना जाए, वो तो इसी इंटेंशन से आए थे। दिस ब्रॉडली कंफर्म्स टू द व्यू इन दिल्ली दैट चाइना इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन रिजोल्विंग द बॉर्डर इशू थ्रू टॉक्स एंड इज डिटरमाइंड टू परस्यू ऑलवेज एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर थ्रू टैक्टिक्स सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन लद्दाख एंड अटेम्प्टेड वंस अगेन इन तवांग। इसमें सारा लिखा गया है। पहली बात तो ये लिखी थी राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ये कहा गया ये जो कुछ भी हुआ है ये गुड साइन नहीं है। हंड्रेड ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, जो भी 9 दिसंबर को हुआ। उनकी इंटेंशन यही थी कि जो स्टेटस है यांगसे का वो बदला जाए और ये एरिया भारत से छीन लिया जाए। और ये बात जो भी 9 दिसंबर को उनके द्वारा किया गया, ये प्रूव करता है कि चाइना इंटरेस्टेड ही नहीं है कि जो बॉर्डर इशू है उसे शांति से सुधारा जाए। उसका जब दिल करता है, जितने टाइम पे उसका दिल करता है, वो यहाँ पे कर देता है। क्योंकि उसने लद्दाख में भी ऐसे किया था। डिप्लॉय का मतलब यहाँ पे होता है तैनात करना, एंड अटेम्प्टेड वंस अगेन इन तवांग, अब उसने तवांग पे कर दिया। द इंडियन आर्मी हैड फॉर लॉन्ग एंटिसिपेटेड, और यहाँ पे ये जो स्टैंजा है ना, द इंडियन आर्मी हैड फॉर लॉन्ग एंटिसिपेटेड दैट द पीएलए वुड एक्टिवेट द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी एंड टू दैट एक्सटेंट इट इज एविडेंट दैट स्टेप्स वर टेकन अप टू बीफ अप मिलिट्री प्रिपेयरनेस इन द रीजन। कि इंडियन आर्मी ना ऑलरेडी तैयार थी, गालवान वैली के बाद उन्हें पता चल गया था चाइना पे भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो तैयार थी ऐसा कुछ हो सकता था। उस टाइम जब अटैक किया गया 50 इंडियन ट्रूप्स ही थे, बट उन्होंने पीछे से भी बुला ली मिलिट्री, तो सारी सिचुएशन वो नॉर्मल तरीके से हल कर पाए, तो उन्हें सब कुछ ऑलरेडी पता है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर 16 राउंड्स ऑफ टॉक ए डिसएंगेजमेंट हैज टेकन प्लेस इन ईस्टर्न लद्दाख बट इट हैज नॉट रिस्टोर्ड द स्टेटस क्वो दैट प्रिवेल्ड इन अप्रैल 2020। यहाँ पे देखिए 16 राउंड ऑफ टॉक हुई तभी जाके डिसएंगेजमेंट हुई, तभी जाके वो मतलब लड़ाई से हटे जो कि ईस्टर्न लद्दाख में हुआ था, बट अभी भी सारी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। चाइना फॉर इट्स पार्ट अपीयर्स रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब पता क्या होता है, कि जैसे इच्छा ना होना किसी चीज़ को करने की, अनिच्छुक। चाइना फॉर इट्स पार्ट अपीयर्स रिलक्टेंट टू होल्ड एनी फर्दर राउंड्स ऑफ टॉक ऑन द लेफ्ट ओवर प्रॉब्लम। चाइना ना उसके बाद मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं कि जो प्रॉब्लम अभी भी लद्दाख में रहेगी हम उसे शांति से करें। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगी कि चाइना इंटरेस्टेड ही नहीं है जो बॉर्डर इशू है उसे शांति से सुधारा जा सके। नहीं, इंडिया तो हमेशा कहता है कि शांति से सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट वो बंदा मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अब इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, जो कि आप कहीं पे यूज़ भी कर सकते हैं। इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना हैज़ बीन टीटरिंग, टीटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, फ्रॉम बैड टू वर्स ओवर द लास्ट 32 मंथ्स सिंस द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख बिगेन एंड इट सीम्स अनलाइकली टू इम्प्रूव अनलेस बीजिंग्स कैलकुलस विज़ इंडिया एंड द रीजन अंडरगोस ए ड्रास्टिक चेंज। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया के रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ वो लड़खड़ा ही रहे हैं, बैड से वर्स हो गए हैं, मतलब कि खराब से और भी खराब हो गए हैं। मतलब अगर आप लास्ट 32 मंथ्स में देखें, जब से लद्दाख में लड़ाई स्टार्ट हुई थी गालवान वैली में, और ये तब तक सही नहीं हो सकते जबकि बीजिंग की तरफ से इंडिया और उसके क्षेत्र के प्रति कुछ चेंज नहीं देखने को मिलता, ये तब तक नहीं हो सकते। व्हाइल दिल्ली G20 लीडरशिप में ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एंगेजमेंट विद बीजिंग, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की G20 लीडरशिप है वो अपॉर्चुनिटी ला सकती है कि हम एंगेज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे बीजिंग के साथ। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, कहते अभी देखिए G20 2023 की प्रेसिडेंसी कौन करने वाला है, भारत करने वाला है, तो इसके जरिए आप चाइना के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक ग्रैंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें चाइना के चैलेंज के साथ कैसे कैसे डील करना है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू ईच क्राइसिस एज इट इमर्जेस, इसकी बजाय कि कुछ भी किया जाए और हम उस पर रिएक्ट कर दें। तो ये सारा एडिटोरियल था जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। अब देखिए कल से 15 दिसंबर से ये जो क्लास है ये डेली 8 AM आपको देखने को मिल जाया करेगी, ओके। और सेकंड थिंग, जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे, एक होंगे या दो होंगे, विद वकैब मैं आप सभी के साथ डिस्कस किया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।